नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती की श्रृंखला की 12वीं कड़ी में। पिछले चरण में गुप्त जी ने हमारे भारत में उपजे ज्ञान विज्ञान विद्याओं विधाओं व शास्त्रों की चर्चा की थी। हमारे विद्वानों की, सिद्ध ऋषि मुनियों की योग साधना द्वारा उनके चरम बौद्धिक विकास की चर्चा की थी। तो आज फिर अतीत खंड के ही अगले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम भारत के साहित्य की बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारे साहित्य का उज्जवल अध्याय। साहित्य का विस्तार अभी है हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने। हमारी साहित्यिक विरासत के बारे में बात करते हुए गुप्त जी कहते हैं, वैसे तो साहित्य गुप्त जी का अपना ही क्षेत्र है और उनकी भी भरपूर भागीदारी है इस विरासत में। साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। तो कह रहे हैं कि साहित्य का विस्तार तो आज यानी वर्तमान में भी कम नहीं है। कुल मिलाकर हमारे प्राचीन व आधुनिक दोनों ही साहित्य क्षेत्रों में भारत के समान कार्य विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साहित्य का ह्रास भी बहुत हुआ है। बहुत साहित्य हमारा नष्ट हुआ है। इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने। बहुत सारा भाग इस उपवन का उजाड़ दिया गया है। कुछ काल की बलि चढ़ गए, नष्ट हो गए, उनके जानकारों के साथ ही कुछ चले गए और कुछ क्षय हो गए, प्रकृति के बदलाव से बचाए ना जा सके। लेकिन जो कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं, उनका भी यदि गहन अध्ययन किया जाए तो अथाह सागर मिल जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। हमारी साहित्यिक विरासत में प्रमुख हैं हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, सूत्र ग्रंथ, दर्शन, गीता, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, हमारी ज्योतिष विद्या, अंक गणित, रेखा गणित, सामुद्रिक व फलित ज्योतिष, वैद्यक, कविकाव्य, इतिहास और व्याकरण। इनके अलावा और भी अनेकों विद्याएं हैं, लेकिन अपने इस खंडकाव्य में गुप्त जी ने जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताया है, अभी मैंने आपको केवल उन्हीं के नाम बताए हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेदों की। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजील और कुरान आदिक थे न तब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। जो ज्ञान का प्रकाश विश्व में फैला था, जो ज्योति आज भी जल रही है विश्व में, शिक्षा की, साहित्य की, वो चिंगारी सर्वप्रथम प्रज्वलित हुई थी वेदों के ही माध्यम से। इंजील और कुरान आदिक थे न तब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार आए। उस समय जब भारत में वेदवाणी गुंजारती थी, तब ये इंजील और कुरान, इंजील ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल गॉस्पेल को कहते हैं और कुरान मुसलमानों की धर्म पुस्तक है, तो तब तक इन दोनों पुस्तकों का कोई अस्तित्व ही नहीं था।
तो जब वेद व्यास और उनके शिष्य जैसे लोमहर्षण याज्ञवल्क इत्यादि वेदों को पहुंचाने में साधारण जनमन तक लगे हुए थे, उनका संकलन करना चाहते थे, उन्हें लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया में लीन थे, तब तक विश्व में किसी भी तरह की अन्य किसी पुस्तक के होने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में, है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। तो वेदों को हमारे प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ माना जाता है, जो हमारी सभ्यता के स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं वेद। विद शब्द से बना है शब्द वेद। विद का अर्थ है विद्वत्ता, ज्ञान, विदित होने की प्रक्रिया। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में, है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। वेदों को अपौरुषेय दिव्य ग्रंथ माना जाता है। इनकी महत्ता का भेद संसार में कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे प्रारंभ में लिखित रूप में नहीं थे। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुए थे वे ऋषि वेदव्यास जी को, इसीलिए स्वयं ईश्वर की वाणी माने जाते हैं वेद। लगभग 3500 से 3000 ईसा पूर्व की तिथि भारतीय मानते हैं। हालांकि मतभेद है, विदेशी साहित्यकारों के हिसाब से ये करीब 1700 से 1100 वर्ष ईसा पूर्व के माने जाते हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे वे जय ध्वज चार हैं। वे ज्ञान गर्मागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, वे पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं में हमारे वे जयध्वज चार हैं। हमारे ये चारों वेद कहते हैं कि मानो चार सुख के सार हैं, हमारे जीवन के संपूर्ण सुख का आधार है, हमारे जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों के हल हमें इन वेदों से मिल जाते हैं। चारों वेद मानो कि चारों दिशाओं में विश्व को चुनौती देती हुई सुसज्जित हमारी विजय पताकाएं हैं। वे ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, वे पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। हमारे ये चारों वेद भारत के ज्ञान और गरिमा का भंडार है, हमारे विज्ञान का भंडार है, हमारे पुण्यत्व की असीमित अमूल्य अपार निधि कोष है वेद, हमारे जनमानस के आचार विचार व्यवहार व संस्कारों का आधार है वेद, हमारी संस्कृति की नींव वेदों द्वारा ही सुदृढ़ बनती है। तो एक बार पुनः अपना आग्रह दोहराती हूं कि वेदों को मूल न सही सारगर्भित रूप में ही विद्यालय के पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदान है, उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा, इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है। हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है, उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। जो मृत्यु के उपरांत भी
सबके लिए शांति प्रदा है। उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा। इस पद में बात हुई है उपनिषदों की, तो उपनिषद भी भारतीय सभ्यता की विश्व को अमूल्य धरोहर है। हिंदू धर्म के महान श्रुति ग्रंथ वेदों की ही तरह वेदों का चौथा भाग माने जाते हैं। शेष तीन है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, संस्कृत में लिखे गए हैं। ऐसे शाब्दिक अर्थ है उपनिषद का समीप बैठना, तो माना जाए तो ब्रह्म ज्ञान के समय शिष्य का गुरु के समीप बैठना, तो ये कुछ शिष्य और गुरु के संवाद से उपजे हुए ग्रंथ रहे होंगे। उपनिषद ज्ञान को महत्व देते हैं क्योंकि ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। कर्म कांड तो अवर माने गए हैं, अवर मीन्स जो वर्ण करने योग्य ना हो, तो कर्म कांडों की अवहेलना की गई है उपनिषदों में। तो कुल 108 उपनिषद हैं, लेकिन मुख्य प्रमुख 10 हैं जो विशेष मान्य हैं, प्राचीन हैं, विषय की गंभीरता को लेकर, जिनमें से बहुत सारे नाम आपने सुने भी होंगे, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीय, ऐत्रीय, बृहदारण्यक, मांडुक्य, मुंडक इत्यादि। तो एक जर्मन तत्ववेत्ता स्कोपेनहार का कहना है, उपनिषदों के प्रत्येक पद से गंभीर और नवीन विचार उत्पन्न होते हैं और सब में उत्कृष्ट, पवित्र और सच्चे भाव विद्यमान हैं। भारतीय वायुमंडल हमें घेरे हुए है और अनुरूप आत्माओं के नवीन विचार भी हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। समस्त संसार में मूल पदार्थों को छोड़कर किसी अन्य विद्या का ज्ञान इतना लाभदायक और हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का। इसने मेरे जीवन को शांति दी है और यह मृत्यु के समय भी मुझे शांति देगा। इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें, उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। माना गया है कि मनुष्य की जिज्ञासाओं के प्रश्नों के खोजे हुए उत्तर सब यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। एक धारणा है कि वैदिक काल जो था वो सांसारिक सुख का युग था, आनंद का, उपभोग का युग था, पाप कष्ट की तो वहां छाया तक न थी, लेकिन कब तक ऐसे चलता। फिर उसके बाद मनुष्य ने, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उत्तर ढूंढने शुरू किए कि कौन है आखिर इस प्रकृति का, इस विशाल रंगभूमि का सूत्रधार, सृष्टा कौन है, निर्माता कौन है, कहां से इसका उद्गम हुआ, हम कौन है, कहां से आए, कहां तक जाएंगे, सृष्टि अंत तक कहां तक जाएगी। शनय शनय ये प्रश्न फिर अंकुरित होते गए और शुरू हुई उनके उत्तर खोजने की ललक और मनुष्य के जिज्ञासु मन मस्तिष्क की अनंत यात्रा। तो शायद इसी व्याघ्रता ने उपनिषदों के चिंतनों का मार्ग प्रशस्त किया। वेदों के अंत में आते हैं उपनिषद, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उन सूत्र ग्रंथों का आहा कैसा अपूर्व महत्व है, अत्यल्प शब्दों में वहां संपूर्ण शिक्षा तत्व है। उन ऋषिगणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, आश्चर्य है घट में उन्होंने सिंधु को है भर लिया, सिंधु को है भर लिया। उन सूत्र ग्रंथों का आहा कैसा अपूर्व महत्व है, अत्यल्प शब्दों में वहां संपूर्ण शिक्षा तत्व है। अब बात छेड़ी है गुप्त जी ने सूत्र ग्रंथों की, तो सूत्र ग्रंथ भी एक विशेष प्रकार की साहित्यिक विधा को कहते हैं। सबसे लघु ग्रंथ जो होते हैं वो सूत्र ग्रंथ कहलाते हैं। वैसे सूत्र का अर्थ होता है धागा या रस्सी, तो जैसे धागा या सूत्र वस्तुओं को जोड़कर एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार सूत्र विचारों को जोड़कर सारगर्भित वाक्य बना देते हैं छोटे छोटे। कहा जाता है कि कम अक्षरों वाला त्रुटिहीन, संदेह रहित,
एक सार गर्भित वाक्य जो निरंतरता लिए हो उसे सूत्र कहा जाएगा। तो साधारण भाषा में या जिन शब्दों को आप जानते हैं, अगर मैं कहूं तो कोई फॉर्मूला या पोस्टुलेट या गणित की थ्योरम्स, ये एक तरह के सूत्र ही हैं। तो किसी भी बात को अति संक्षिप्त रूप से, यानी गुड़ से गुड़ बात को अति संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो सूत्र है। उन ऋषिगणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, आश्चर्य है घट में उन्होंने सिंधु को है भर दिया। अनेकों सूत्र ग्रंथ रचे गए हैं हमारे साहित्य के इतिहास में, जैसे वेदांत सूत्र हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि के व्याकरण के सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं वेद व्यास जी के धर्म ब्रह्म सूत्र हैं, पतंजलि योग सूत्र हैं, न्याय सूत्र हैं, वात्स्यायन जी का काम सूत्र है। इसके अतिरिक्त बौद्ध सूत्र ग्रंथ भी हैं जिन्हें सूत्र पिटक कहते हैं। तो पहले सूत्र लिखे जाते थे, अब क्योंकि वो सूत्र वह अति संक्षिप्त हुआ करते थे, बहुत गूढ़ हुआ करते थे, तो फिर उनकी व्याख्या करने के लिए भाष्य लिखे जाते थे। उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी, यूनान यूरोप अरब आदिक हैं हमारे ही ऋणी, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद है। उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी, यूनान यूरोप अरब आदि कहे हमारे ही ऋणी। अब इस पद में बात हो रही है दर्शन शास्त्र की। तो साधारण अर्थ यदि देखा जाए तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, आंखों से देखना, लेकिन दर्शन शास्त्र की यानी फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अर्थ है मन की आंखों से देखकर, मनन करके, चिंतन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो दर्शनों का उपदेश व्यक्ति के जीवन की सब गांठों को खोल देता है, उसका मार्गदर्शन करता है। प्रमाण व तर्क के सहारे अंधकार में भी दर्शन शास्त्र दीप जलाकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है, हमारा अंतर परिमार्जित हो जाता है, यानी साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक और यूरोप के तत्ववेत्ता मैनुअल विलियम्स ने कहा था कि यूरोप के प्रधान दार्शनिक प्लेटो और पाइथागोरस दोनों ही दर्शन शास्त्र के संबंध में भारतवासी हिंदुओं के सब तरह से ऋणी हैं। और लैथब्रिज साहब ने अपने इतिहास में, इतिहासकार हैं ये, उन्होंने हिंदुओं के विषय में लिखते हुए वैसे तो बहुत ही दुराग्रह और पक्षपात का परिचय दिया है, किंतु उन्हें भी अंततः यह मानना पड़ा है कि दर्शन शास्त्र के आदि गुरु तो आर्य ही हैं। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिनी पतंजलि व्यास और कणाद है। तो हमारे भारतीय पुरातन साहित्य के हिसाब से 6 तरह के दर्शन माने जाते हैं हिंदू दार्शनिक परंपरा के अनुसार। महर्षि गौतम रचित न्याय दर्शन, महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन और महर्षि व्यास का वेदांत दर्शन। इसके अलावा और भी बहुत हैं दर्शन, जैसे चार्वाक, शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध इत्यादि। लेकिन यदि देखा जाए तो सभी दर्शन, समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत तो उपनिषद ही है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिलने तो उपनिषदों से ही प्रारंभ हुए थे। दृष्टांत दर्शन हो हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े। हे विश्व भारत के विषय में फिर कुशंकाएं करो, हम दर्शनों का साम्य पहले आज भी आगे धरो, हम दर्शनों का साम्य पहले
आज भी आगे धरो। दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े। प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि जो राज्य उन्नति के उच्चतम शिखर पर स्थित होता है, जिस राज्य में भीतरी और बाहरी शत्रुओं के आक्रमण की कुछ भी आशंका नहीं होती, और जिस राष्ट्र के लोग धन संपत्ति की वृद्धि के साथ ही साथ अनेक विद्या मंदिर और विश्वविद्यालय स्थापित करके बिना किसी विघ्न बाधा के विद्या की आलोचना में मन लगा सकते हैं, उसी सभ्य समुन्नत राष्ट्र में दर्शन शास्त्र का आविर्भाव होता है। तो इसे ऐसे होता है कि कपिल, गौतम और पतंजलि जैसे अद्वितीय दार्शनिक उत्पन्न करने के पहले ही हिंदू जाति सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी थी। हे विश्व, भारत के विषय में फिर कुशंकाएं करे, हम दर्शनों का साम्य पहले आज भी आगे धरे। हिंदू सुपीरियोरिटी नामक पुस्तक में यह उल्लेख है कि यदि यह बात निसंदेह सत्य है कि केवल बड़ी बड़ी जातियां ही सच्चे दार्शनिक और पूर्ण दर्शन शास्त्री उत्पन्न कर सकती हैं, तो हिंदुओं को संसार में सबसे बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा। यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से हैं और अब हंसने लगे वे आप अपने आप से। ए क्या कहा, निज चेतना पर आ गई उनको हंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी। यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से हैं और अब हंसने लगे वे आप अपने आप से। अब इस पद में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। अब श्रीमद् भगवद गीता को तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता। द्वापर युग में महाभारत के भीषण युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र को गीता की पृष्ठभूमि माना जाता है, जिसमें युद्ध से पलायन करने की इच्छा करते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। परंतु वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के माध्यम से उन्होंने हर सामान्य मनुष्य के जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल सुझाया है गीता में। मनुष्य की किं कर्तव्य विमूढ़ता के लिए उचित मार्गदर्शन दिया है गीता में। सबसे प्रमुख तो निष्काम कर्म का संदेश है गीता। रोते हुए मनुष्य को हंसाने की सामर्थ्य रखती है गीता। है क्या कहा, निज चेतना पर आ गई उनको हंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी। मोह माया में फंसा मनुष्य जब जागृत होता है तब अपनी ही मूढ़ता का भास उसे हो जाता है। विदेशों में भी अनेक लोग गीता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो गीता से महान कोई दूसरा धर्म ग्रंथ मुझे नहीं दिखाई देता। तो आज श्रीमद् भगवद गीता की बात पर इस कड़ी को यहीं समाप्त करती हूं। शीघ्र लौटूंगी हमारे पुरातन साहित्य की ही कुछ और विशिष्ट विधाओं के वर्णन के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय भारती।